नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल और एक नए ब्लॉग में। आई होप दोस्तों आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज हम चल रहे हैं चुनार, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, और दर्शन करेंगे माँ दुर्गा जी की। चुनार में दोस्तों माँ दुर्गा जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो कि वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ और दर्शन कराऊँगा माँ दुर्गा जी के आपको। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मंदिर दोस्तों बहुत ही खास है। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि जो मिर्ज़ापुर में माँ विंध्याचल जी का मंदिर है, वहाँ पर जो त्रिकोणीय दर्शन होता है और त्रिकोणीय दर्शन करने के बाद माँ विंध्याचल जी के दर्शन पूरे होते हैं, उसी तरह यहाँ भी त्रिकोणीय दर्शन होता है और त्रिकोणीय दर्शन करने के बाद ही माँ दुर्गा जी के दर्शन को पूर्ण माना जाता है। तो आगे वीडियो में मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगा और सारी जानकारी दूँगा मंदिर के बारे में, जो भी यहाँ की जानकारी है। और ये मंदिर दोस्तों झरने के बीचों बीच स्थित है। ये देख रहे हैं आप झरना, जो इस समय सूखा हुआ है क्योंकि अभी फरवरी का महीना चल रहा है और अभी बारिश का सीज़न नहीं है, तो ये झरना पूरी तरह से सूखा हुआ है। हाँ, अगर आप सावन के महीने में आते हैं तो ये झरना आपको बहता हुआ मिलेगा और इसकी खूबसूरती आपको देखते बनेगी। वैसे तो दोस्तों यहाँ नवरात्र में दर्शन करना बेस्ट होता है, लेकिन अगर आप सावन में आते हैं तो आपको यहाँ की खूबसूरती मन मोह लेगी। तो एक बार कोशिश करके सावन में ज़रूर आइए। तो अभी दोस्तों हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और अभी फटाफट से चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। चुनार जंक्शन से इस मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ मार्ग पर यह मंदिर पहाड़ों के बीच में बसा अपने प्राकृतिक सौंदर्य, झरने तथा त्रिकोणीय है यात्रा है तो बहुत ज़्यादा फेमस है। मंदिर के आसपास का नज़ारा मन को अत्यंत शांति प्रदान करता है और यहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग माता विंध्याचल में अपनी त्रिकोणीय यात्रा पूरी नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ दर्शन करके अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। उन्हें उसी त्रिकोणीय यात्रा का फल प्राप्त होगा। वर्षा के मौसम में अथवा सावन माह में लगने वाले मेले के समय यहाँ घूमना उचित समय है तथा आप यहाँ के झरनों का लुत्फ अत्यंत प्रफुल्लित मन के साथ उठा सकते हैं। तो माँ के दर्शन प्राप्त हो गए हैं और माँ के दर्शन करने के बाद अब हम चल रहे हैं दर्शन करने बाबा काल भैरव के, और मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवता जी के दर्शन करेंगे हम। आई होप कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। Oh.